Hey, what's up guys, I am Avi Mittal and you are watching Avi Mittal Vlogs. आप सभी अभी तक वेट कर रहे होंगे कि Esic का लिंक आएगा, Esic का नोटिफिकेशन आएगा कब, और इसके लिए आएगा तो हम अप्लाई करेंगे आईपी कोटा सर्टिफिकेट के लिए, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए। पर आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है कि अब की बारी Esic कोटे के अंदर आईपी कोटा से सिलेक्शन नहीं होंगे। जैसा कि 28 सितंबर को Esic ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस लॉन्च किया और उसके अंदर ये बातें लिखी है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन आईपी कोटा सीट्स इन Esic मेडिकल डेंटल कॉलेज फॉर एकेडमिक सेशन 2021 रजिस्ट्रेशन के तहत उसने एक नोटिस दिया है। दिस इज इन्फॉर्म्ड दैट द सीट्स फिल्ड अप इन प्रीवियस ईयर, जो सीटें पिछली ईयर के अंदर आईपी कोटा से सिलेक्ट की गई थी इन डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज, वुड बी फिल्ड अप बाय DGHS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑल इंडिया कोटा। वो अब की बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और हेल्थ सिस्टम के द्वारा ऑल इंडिया कोटा सीट्स के अंदर ही काउंट करके फिलअप होगी। तो ये आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि आईपी कोटा का आप बेनिफिट ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो अब की बारी आपका कॉम्पिटिशन भी मुश्किल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड विच आर ऑल्सो सीकिंग फॉर द Esic बेनिफिट। थैंक यू एंड we will meet in the next video. Okay, bye.